Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear student? I hope you all are fine. Today we are going to talk about the next topic of your chapter, the making of nationalism in Europe. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका फर्स्ट चैप्टर आपका पढ़ रहे हैं आपका द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इनटू द यूरोप, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कैसे आपकी विकसित हुई थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एंड टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट कंसीक्वेंसेस दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेस आए थे यूरोप में उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. एंड दिस चेंजेस हैड बीन डिस्कस्ड बिटवीन द पीपल ऑफ द यूरोप, और ये चेंजेस जो थे आपके यूरोप के जो अदर कंट्रीज थे उनके ऊपर डिस्कस होना स्टार्ट हो गए थे. सो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द यूरोप एट दैट टाइम, तो उसको समझने के लिए हमें कि जो नेशनलिज्म जो हमारे पास विकसित है उसको हमें ये समझना पड़ेगा कि वहाँ की सोसाइटी किस तरह का था, हाउ द पीपल लिव्ड, कैसे लोग रहते थे, आपको उसके बारे में समझना जरूरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, कि किस तरह से जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का विकास हुआ. देखिए फर्स्ट थिंग इज जैसा आज हम यूरोप को देखते हैं आपके जो छोटे छोटे स्टेट्स बने हुए हैं या कंट्री बने हुए हैं आपके, जैसे आज हमारे पास जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, ठीक है, ऐसे हमारे पास बेल्जियम वगैरह है, पोलैंड है, तो ये कंट्री पहले वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते. दिस काइंड ऑफ कंट्री डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उससे कोई ऐसा कंट्री वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था. होता था तो क्या होता था आपका द किंगडम्स, राजाओं के राज हुआ करते थे आपका, जिनकी अपनी छोटी छोटी टेरिटरी समझ लीजिए, छोटे छोटे क्षेत्र में अपना राज करते थे आपका, जैसे हम लोग इंडिया के अंदर बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज होती थी और वहाँ पे शासक क्या करते थे आपका राज करते थे हमारे पास, ठीक है, नो कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो उस समय किसी भी तरह से ये नहीं लगता था कि लोग अपने एक नेशन की डिमांड रखेंगे, कलेक्टिव बिलोंगिंग का कोई उसमें सेंस नहीं थी लोगों की, ये समझे कि हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं आपका, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था आपका. पीपल स्पोक जर्मनी एंड टू द एग्जाम्पल ले रखे हमारे पास बिफोर दैट, लेट्स टेक एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ये है हमारे पास हैब्सबर्ग एम्पायर का, हमने एग्जाम्पल लिया है. आज जो प्रेसिडेंट जो मेजर जो एरियाज का बना था आपका वो क्या आपका ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला जो साम्राज्य है वो इसके अंदर आता है आपका. अब इसमें जो साम्राज्य इंक्लूड थे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके, जैसे आपका टायरोल है हमारे पास, ऑस्ट्रिया है, सदर्न लैंड है, एंड बोहेमिया, ये इसके मेजर क्षेत्र थे जो आपके हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आते थे. इतना बड़ा ये साम्राज्य फैला हुआ था, प्रोमिनेंट आपका साम्राज्य कह सकते हैं आपका. अब इसके अंदर रहने वाले जो लोग थे ज्यादातर क्या हुए थे आपका, लोग जर्मनी की लैंग्वेज जर्मन भाषा बोलते थे या फिर इटालियन लैंग्वेज बोलते थे आपका, मेजर लैंग्वेज में क्या हुआ जर्मन और इटालियन लैंग्वेज बोलते थे. इसके अलावा हंगरी के अंदर जो हाफ ऑफ द लोग थे आपका मग्यार लैंग्वेज होती है उसको क्या करते थे आपका बोलते थे. इसके साथ साथ लोग डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट्स हुआ करते थे आपके, अलग 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 क्षेत्र में अलग अलग अपनी डायलैक्ट्स भी होते थे जिनको बोलते थे, यानी मतलब हुआ कि जो लैंग्वेज कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज थी वो तो आपकी ये थी ही. इसके साथ साथ हो सकता है लोग अपने एरियाज के अंदर क्या करते आपका अपनी जो अलग जो डायलैक्ट होते रीजनल डायलैक्ट्स होते थे उनका भी प्रयोग करते रहे होंगे, राइट. इन ग्लेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक द पोलिस, और ग्लेशिया जो जैसे थी साम्राज्य था उसके अंदर जो लोग क्या करते थे आपका आपका ये लैंग्वेज बोलते थे आपका पोलिस, पोलैंड वाली जो लैंग्वेज है उसको ये बोला करते थे. नेक्स्ट अगर एक्सेप्ट दीज थ्री प्रोमिनेंट ग्रुप्स ऑल्सो पीजेंट्स पीपल लिव्ड, इसके साथ साथ ये हमारे पास प्रोमिनेंट लीडर हैं कह सकते हैं आपका, और इसके साथ साथ जो हमारे गांव के रहने वाले पीजेंट्री हैं, फार्मर्स थे, ये बहुत ज्यादा संख्या के अंदर वहां पे रहते थे आपका. अब जब सिचुएशन देखते हैं देन व्हेन वी सी द सिचुएशन वी फाउंड दैट देयर इज नो सच काइंड ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसमें हमें कहीं पर भी ये नजर नहीं आता है क्योंकि सभी लोग डाइवर्स हैं, कोई लोग कुछ भाषा बोल रहे हैं, एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं आपका, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में रहते हैं, अलग अलग एरिस्टोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं आपके, तो सबका अपना अपना क्षेत्र था. तो इतने बड़े डाइवर्सिटीज के अंदर उनको एकजुट हो पाना, नेशन बन पाना, इट लुक्स वेरी इम्पॉसिबल, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि बाद में ये नेशन स्टेट बन गए. लेकिन इस सिचुएशन में देखते हैं हमारे पास कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, तो दो पीपल हु वर इन टू द एरियाज वो सब क्या था डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स. एरिस्टोक्रेसी क्या था, लेट अस अंडरस्टैंड द एरिस्टोक्रेसी फर्स्ट. देखिए आपका एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास का पर चैप्टर दिया है आपका, भी कैसे एमर्जी एरिस्टोक्रेसी में कौन थे आपके, एरिस्टोक्रेसी को समझिए आपका. एरिस्टोक्रेसी क्या है आपका, बार बार ये वर्ड सुनते आ रहे हैं आपका, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है आपका पर्सन हु इज हैविंग इट्स ओन एम्पायर, का अपना स्टेट है, एंड द पीपल आर लिविंग एज अ सब्जेक्ट, जो उसकी प्रजा उसके अंदर वो लोग आपके रह रहे हैं, तो एरिस्टोक्रेसी थी. इनके काफी अच्छे प्रिविलेज को काफी ज्यादा प्रिविलेजेस थे, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था लुई 16 के बारे में आपने पढ़ा था, ही हैड हिज ओन प्रिविलेजेस, जो
एस्ट्रोक्रेसी को आपको तीन स्टेट्स में डिवाइड किए गए थे, आपके फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। तो उनके अपने क्या थे, आपके प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे आपको, ठीक है। तो स्टेट्स वहाँ पे डिवाइडेड थे आपके। सो रिच लैंडेड एस्ट्रोक्रेसी यूनाइटेड एज अ क्लास डिस्पाइट ऑफ द रीजनल डिविजन। देखिए छोटे छोटे एस्ट्रोक्रेसी हुआ करती थी, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हुआ करती थी, और सिंपल सी बात है एस्ट्रोक्रेसी आपस में फिर भी क्या थी आपकी, यूनाइटेड थी। क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे डिफरेंस होने के बावजूद भी लोग आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या थे आपके, कनेक्टेड थे। ज्यादातर जो एस्ट्रोक्रेसी के जो लोग थे क्या कहते हैं, स्पोक फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे आप, एंड ऑन स्टेट्स छोटे छोटे साम्राज्यों को क्या कहते हैं आपका मालिक होते थे, एंड कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ द मैरिज, और आपस में दूसरे जुड़े हुए थे किसी आपका मैरिज, यानी कि इनकी जो फैमिलीज होती थी वो आपस में शादियां करती थी, जिससे आपस में जुड़े हुए थे। जैसे आप, मैंने अभी लुई 16 का रिमेम्बर कराया, तो आप अगर याद करें तो लुई 16 की जो शादी हुई थी, ही वॉज मैरिड विद द मैरी एंटोनेटी द प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रिया, जो कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की थी। इसके बाद लुई 16 ने देखो आपका ऑस्ट्रिया के जो साम्राज्य से हेल्प भी मांगी थी, जब आपका नेशनल असेंबली ने विरोध किया था तब। तो ये कहने वाला कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपके कनेक्टेड हुआ करते थे आपके, हालांकि ये जो संख्या थी दिस वॉज इन स्मॉल इन नंबर, छोटे संख्या में थे आपके, कम थे, जबकि ज्यादा संख्या में क्या थे आपके, जो मिडिल क्लास थी, वो हमने पढ़ा था कि मिडिल क्लास बहुत ज्यादा संख्या थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके से टाइम पास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री सामने आई, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम आया, सो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, इंडस्ट्रियां बढ़ने शुरू होगी आपका। इससे क्या हुआ, जो मिडिल क्लास है वो बनने शुरू होगी, इंडस्ट्रियां आ गई, लोगों ने इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, काम करने वाले वो लोग, कहते ग्रोथ ऑफ द कमर्शियल क्लास। इससे क्या हुआ, जो बिजनेस करने वाले लोग थे उनकी संख्या बढ़ती चली गई, एंड दिस बिकेम द मिडिल क्लास। अब जैसे जैसे ये बिजनेस करते चले गए, तो ये आप क्या हो गया, इन्होंने अपने बच्चों को, इसमें ने बताया करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाने से इनके बच्चों में क्या आपका एजुकेटेड हो गए, नॉलेज आ गई, नॉलेज आने से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो एरिस्टोक्रेसी की जो पावर थी उन पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, कि जो एरिस्टोक्रेसी है दैट शुड नॉट गेट द प्रिविलेज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, कि जो एरिस्टोक्रेसी उसको जो बर्थ बाय बर्थ जो राइट्स मिलते हैं आपके वो नहीं मिलने चाहिए, स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑन इट, इसमें क्वेश्चनिंग करना उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और ये मिडिल क्लास बनी, द एजुकेटेड मिडिल क्लास डिमांडेड। अब इसमें देखिए मिडिल क्लास में थे कौन, इसमें जैसे मैंने अभी बताया आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, आपके फिलोसफर्स थे, पढ़े लिखे जो लोग थे वो लोग इसमें शामिल होते थे, ट्रेडर्स वगैरह थे, और जो जिन्होंने व्यापार करके अपने कह सकते हैं आपका वेल्थ को कमाया था। द एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्ट क्वेश्चनिंग ऑन टू द, अब जैसे ही एजुकेटेड होते चले गए तो इन्होंने क्या किया, आपका जो एरिस्टोक्रेसी है उसकी पावर पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी, उन्होंने पढ़ा था कि जो मिडिल क्लास है उसका विकास होता है फ्रांस के अंदर, और उसके बाद फिर उन्होंने डिमांड की थी कि हम जो इलेक्शन है आपका वो डिफरेंट तरीके से कराएंगे हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी इन्होंने क्या हुआ, यूरोप के अंदर धीरे धीरे करके मिडिल क्लास का विकास हुआ और डेवलपमेंट, और इन लोगों ने एरिस्टोक्रेसी जो थी उनकी जो पावर थी उस पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, और इस तरह से हमारे पास जो नई लिबरल क्लास है उसका विकास हुआ। अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे आपका लिबरल क्लास के बारे में, हाउ दे थिंक, क्या सोचते थे आपका, कैसे सोचते थे, हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एरिस्टोक्रेसी, इतने बड़े एम्पायर के अंदर किसी तरह का कोई लिंक नहीं है हमारे पास, फिर भी धीरे धीरे करके जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एक मिडिल क्लास का बनना था, तो हमारे पास एक नई मिडिल क्लास का विकास हुआ जिसने एरिस्टोक्रेसी की पावर्स पर क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अगले टॉपिक में हम लोग जो नेक्स्ट न्यू मिडिल जो लिबरल क्लास है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे। टिल देन हैव नाइस टाइम, सी यू, बाय।